की देखे उसके जो सेकंड ग्रुप लिखा वो था हाउ टू एनहेंस प्रोफेशनल प्रैक्टिस एंड कॉम्पिटेंस। उसी में जब आप अपने को तैयार करेंगे तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपने को कॉम्पिटेंस आप अपनी कैसे इम्प्रूव करेंगे। कॉम्पिटेंस इम्प्रूव करने के लिए आजकल इसको बोला जाता है स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस का मतलब है एस फॉर स्ट्रेंथ, एब्ल्यू फॉर वीकनेस, ओ फॉर अपॉर्चुनिटी और पी फॉर फैक्ट। ये चीज़ें हमारे अपने धार्मिक ग्रंथों में भी आती हैं, रामायण और महाभारत में भी थी, तो वहाँ पर भी भगवान राम जो है वो एवेल्यूशन करते हैं कि रावण के मुकाबले हमारी क्या ताकत है, हमारी बॉडी की क्या ताकत है, हमारे पास कौन कौन सी योजनाएँ हैं, कौन कौन से हथियार हैं और कैसे लोग हैं, और रावण के पास क्या हथियार हैं वो इवेल्यूशन करते हैं। ठीक है, सेकेंड इवेल्यूशन जो होता है वो होता है वीकनेस का, हमारी कमजोरी क्या है। फॉर एग्जाम्पल रामायण के उसमें आप देखें तो राम की कमजोरी ये थी कि उनके पैर जो था पैदल थे और या वानर थे या रीच थे, जो जातियाँ थी वो इतने ज़्यादा उनके पास हथियार भी नहीं थे और वो दूसरी जगह जाकर लड़ाई करते थे। भगवान राम का खुद के पास रथ नहीं था, जबकि रावण के पास टोटल टेक्नोलॉजी का कहा जा सकता है कि अपडेशन था वो उनके पास नहीं था। इवन महाभारत में अगर आप देख लें तो कर्ण और पांडवों की तुलना में डिफरेंस था। अगर आप और लेटेस्ट में आ जाए तो चाणक्य ने भी यही चीज़ बताई थी नीति में कि आप अपनी स्ट्रेंथ देखोगे और आपकी कमी क्या है वो देखोगे, उसी के बेस पे आप दूसरों को अटैक कर पाओगे या जीत पाओगे। और ये सिर्फ लड़ाई की बात नहीं है, हर क्षेत्र में लागू होता है। स्वॉट एनालिसिस है अपॉर्चुनिटी कि आपके लिए मौके क्या मिल रहे हैं। अगर हम स्किल की बात करें तो स्किल में ही आपकी स्ट्रेंथ क्या है, एज ए ट्रेनर आपकी क्या ताकत है, आप बढ़िया बोल सकते हो, आपके कॉन्फिडेंस ज़्यादा है, आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है, आप स्मार्ट हैं, आप अपडेटेड हैं, आप एजुकेटेड हैं, ये सारी बातें अगर आपकी आती हैं मान लीजिए आप बीटेक हैं, ये आपकी स्ट्रेंथ में आता है, ये आपको पॉलिटेक्निक किया हुआ है, आपके पास एक्सपीरियंस है एज ए ट्रेनर, ये आपकी स्ट्रेंथ है। अभी उसमें जो कमियाँ आ रही वीकनेस, उन कमियों को आपको तराशना है, पहले तो मालूम करना है कि कमियाँ क्या हैं, उसके बाद उनकी फाइन ट्यूनिंग करके उनको ओके करना है, ठीक करना है। नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटी, इसके साथ साथ आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आपको और क्या मौके मिल रहे हैं। आप अपने लेवल पे जहाँ पर मान लीजिए आप दरभंगा में हैं या जबलपुर में हैं, तो मैंने आपको बताया जो आपके वहाँ पर जो मौके हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, उस मौक़ों को आप ढूंढिए, आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बात करिए, आपको वीडियो से बात करिए, आप स्किल वाले लोगों से बात करिए और आप अपनी तरफ से या वहाँ के कॉलेजेज हैं उनके उनमें पता करिए, अपनी तरफ से उन लोगों के पास जाइए और उनको बताइए साहब हम स्किल का काम करते हैं और हम इस टाइप की कोई रोजगार मिला है एजुकेशन के ऊपर, हम एक कॉन्फ्रेंस या सेमिनार करना चाहते हैं, मेला लगाना चाहते हैं और पूरे ज़िले के बच्चों को या टाउन के बच्चों को स्कूल के बच्चों को इन्वाइट करिए वहाँ, और इसमें आई एम श्योर कि आपको वहाँ लोकल लेवल पे भी मदद मिलेगी। तो ये जब आप करेंगे और उससे आपको ये भी पता लगेगा कि बच्चों के लिए आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटी, आप नेट पर जाएंगे ये सिखाई एन एस डी की एम एस डी की साइट देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि गवर्नमेंट के क्या क्या नए प्रोग्राम आ रहे हैं। जैसे एनुअल बना तो एनुअल के बाद ग्लोबल एनुअल आएगा तो नए नए प्रोग्राम आते रहेंगे, नए नए सेमिनार होंगे और उसमें अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो उसका आपको इन्वाइट कर जाएगा। दैट विल बी ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू। जो आप पूछ रहे थे कि आपके लिए इस पर करियर डेवलपमेंट की क्या ऑप्शन है, इसीलिए मैंने सोचा अगर आपको दोबारा रखा। उसके बाद थ्रेट, साथ में आप ये देखिए थ्रेट क्या है, मतलब आपको कहाँ से प्रॉब्लम आ सकती है, वो सारी चीज़ों का आप एक आइडिया लेकर उसके बेस पर आप ये बनाएंगे कि आपका स्पॉट एनालिसिस क्या है, आपको कहाँ से थ्रेट आ सकता है। हो सकता है आपको इस बात का थ्रेट हो कि कोई और ट्रेनर आपसे अच्छा जा रहा है, तो अगर ऐसा कोई थ्रेट है तो आप अपने को बराबर अपडेट करते रहेंगे। तो जैसा मैंने आपको बताया यहाँ पर किसी को माइनस नहीं किया जा सकता, जो बेस्ट है वो ऊपर आएगा, आप अपने को बेहतर बनाएंगे तो आप ऊपर आएंगे। तो
दिस इज कॉल्ड स्वॉट एनालिसिस और यही जो हमारी मेंटेन एंड एनहांस प्रोफेशनल प्रैक्टिस एंड टेक्निकल कॉम्पिटेंस है ये उसका सार है।